हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। तो आज से डे एट 14 आवर्स चैलेंज का डे एट है आज। तो टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है दोस्तों। सकते हैं आप, सुबह का 7:23 हो गया है। तो उसने आज का लिख लेते हैं टू डू लिस्ट यहाँ पर। तो ये है आज का टू डू लिस्ट। तो आज डे एट है, 23rd फेवर 2022। तो पहले हम सीसेट पढ़ेंगे, देन करंट अफेयर्स, देन पॉलिटिकल प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ पार्लियामेंट कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी, देन हमारा कितना वर्ष पढ़ना है यहाँ पर हम टिक करने जाते हैं, टिक करने जाएंगे। ओके, टिक करते हैं। तो चलिए अभी हम शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अभी स्टॉप वॉच हम लगा लेते हैं, यह हो गया स्टार्ट। और चलिए हम भी हो जाते हैं स्टार्ट। एक घंटा पढ़ाई कर ली और ये हमारा सीसेट हम पढ़ रहे हैं यूट्यूब लेक्चर से। तो अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, तब ब्रेकफास्ट के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया है और ये पानी थोड़ा भर लेते हैं। तो हमने ये भर लिए पानी, तो चलिए हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। दोस्तों हमने 1.5 घंटा हमने पढ़ाई कर ली और सीसेट हम यूट्यूब लेक्चर से पढ़ रहे थे। आज एचसीएफ एलसीएम कर रहे थे। ओके, तो इसको थोड़ा हम डायरी में अपडेट कर लेते हैं। टाइम हो गया देखिए दोस्तों, 12 बज गया। ओके, तो सुबह से मतलब 2.5 घंटे पढ़ लिए हमने। तो सुबह 1 घंटा हमने पढ़ लिए थे, देन अभी हम 1.5 घंटा हमने पढ़ लिए। तो हमने 2.5 घंटा आज तक हमने पढ़ाई कर लिया। तो अभी थोड़ा हम एडिटिंग कर लेते हैं हमारा, मतलब थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा करंट अफेयर्स। तो सीसेट हमारा आज का ख़त्म हो गया है, देन हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे विजन आय से। तो चलिए हम मिलते हैं कुछ समय के बाद। तो 12:30 बज गए दिन के, तो धूप बहुत दे रहा है वहाँ पर, देख सकते हैं आप। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा करंट अफेयर्स विजन आयस का मंथली कंपाइलेशन हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टॉप वॉच लगा लेते हैं, तो चलिए हम भी शुरू हो जाते हैं। दोस्तों 1 घंटा हो गया है और टाइम भी हो गया है 1:34। तो अभी हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिए 1 घंटे के लिए। तो हम इकोनॉमी का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, ये हम माइंड मैप से नोट्स बना रहे थे हमारा विजन आयस का। देखिए ओरबान, देखिए हम कुछ कुछ पढ़े हैं, ओरबान एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जैसी होता है, और हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजीम इन इंडिया। तो इसका हम ओवरव्यू लिए हैं, बाद में कंप्लीट नोट्स बनाए हैं, अभी थोड़ा हम ओवरव्यू ले रहे हैं। व्हाई न्यूज, मोर अबाउट न्यूज, और इम्पोर्टेंस ऑफ ओरबान जॉब गारंटी, और इशूज इम्प्लीमेंटेशन, कौन कौन सा इशू आता है इम्प्लीमेंटेशन में, और वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। जैसे देन हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिगेम इन इंडिया न्यूज़ में क्यों क्यों था, अबाउट पेपर, अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चैलेंज में क्या क्या आता है, कौन कौन सा मेजर लिए गए जो आईपीआर को स्ट्रेंथन करने के लिए। देन न्यूज इन शॉर्ट्स में आता है पीरियडिक लेबर फॉर सर्वे। तो ये हम थोड़ा डिटेल्स में करते हैं क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा है। ओके, तो उसके बारे में हमने डिटेलिंग की है। और ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज ए गाइडलाइन फॉर डिजिटल लेंडिंग के लिए RBI गाइडलाइन इशू किए हैं, उसका क्या फीचर होगा गाइडलाइन। ओके, तो ये सब है। तो अभी हम जाएंगे मतलब नहाने के लिए, नहाने के बाद हम लंच करेंगे, देन उसके बाद हम
फिर से करंट अफेयर्स 1 घंटा 1.5 घंटा हम पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हमारा पॉलिटिक हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम जाते हैं नहाने के लिए। तो अभी हो गया है हमारा नहाना ख़त्म और अभी हम जाएंगे लंच करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आफ्टर लंच। हमारे लंच में है ये पोखाड़ा और ये भजा और ये मिर्ची और ये रेशम। तो चलिए इसको खा लेते हैं जल्दी से, बहुत भूख लग रहा है। 2:47 हो गया है और अभी हम लंच करके आए हैं। तो देखिए एक चीज़ें मुझे कल से मतलब देखने की कोशिश कर रहे हैं, देखने मतलब देखें कि नहीं वो सोच रहे हैं। 7 साल जेल कटने वाला IPS के साथ, तो इंटरेस्टिंग मतलब स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, मतलब देखना चाहिए कि नहीं। 1 आवर 40 मिनट्स से तो टाइम तो वेस्ट नहीं हो जाएगा, तो लेकिन मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो चलिए देख ही लेते हैं। 2 घंटे की तो यही बात है, तो चलिए थोड़ा मतलब देख लेते हैं ये 2 घंटे के लिए। तो 4:09 हो गया है और हम अभी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मतलब 2.5 घंटे ही पढ़े हैं। तो अभी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स 1.5 घंटा पढ़ लेंगे, देन उसके बाद कंटिन्यू 5 घंटा हम पढ़ेंगे पॉलिटी को। ओके, अभी से कंटिन्यू 5 घंटा हम पढ़ेंगे ताकि हम मतलब ये हमारा मेकअप हो जाए। तो यहाँ पर हम स्टॉपवॉच लगा लेते हैं, तो ये हो गया स्टार्ट और हम भी हो जाते हैं स्टार्ट। तो चलिए हम शुरू हो जाएं। तो गाइस तो टाइम हो गया 9:46 और हमने 4 घंटा अभी कंटिन्यूसली पढ़ाई की है। तो इस 4 घंटे में दोस्तों हमने ये हमारा करंट अफेयर्स और सितंबर महीने का विजन आयस का हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज गाइडलाइंस फॉर डिजिटल लेंडिंग और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC, देन ये इसका डिटेलिंग है। देन हमारा प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया और उसके ये डिटेलिंग ये हम माइंड मैप के नोट मदद से बनाए हैं। देन हमारा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स PLI स्कीम क्या है और ये उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग किए हैं, हमारा मतलब सेफर्ट सेफर किए हैं जो ताकि हमें आसान हो जाए। देन हमारा रिवाइज नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM, देन उसके बारे में है। देन हमारा इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग किया है। देन हमारा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020 to 2022 रीजनल कंपेनियन रिपोर्ट फॉर एशिया एंड पैसिफिक। देन हमारा स्मॉल सॉल्यूशंस एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022। देन हमारा धर्मशाला डिक्लेरेशन क्या है। देन हमारा वाटर ट्रेडिंग क्या है। देन हमारा एशियन पाल्म ऑयल अलियंस APOA क्या है। तो ये हमने पढ़ लिए। देन उसके बाद हमारा इकोनॉमी ख़त्म होने के बाद हमने पढ़ा, आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिए थे हमारा करंट अफेयर्स। देन हमारे हमने सिक्योरिटी के रिगार्डिंग पढ़ा, INS विक्रांत क्या है, ये न्यूज़ में क्यों था, अबाउट INS विक्रांत तो उसके बारे में है। देन हमारा की फीचर्स क्या है। देन हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ एन एयरक्राफ्ट करियर। देन हमारा कंक्लूजन क्या है। ओके, देन हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज इन न्यूज, कौन कौन से एक्सरसाइज जैसे कि एक्सरसाइज वस्तक, एक्सरसाइज ककाडू, एक्सरसाइज IMEX, एक्सरसाइज पर्वत प्रहार। देन हमारा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम क्या है। देन हमारा एक्सरसाइज साइन सिनर्जी। देन हमारा रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स क्या है। देन हमारा तेजस मार्क 2 क्या है। देन हमारा हाइब्रिड मिलिटेंट्स कौन कौन से हैं। देन उसके बाद दोस्तों हमने करंट अफेयर्स के बाद हमने पढ़ा
हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया, मतलब ये हमारा पहला चैप्टर है पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बिफोर बिफोर 1857। तो ये नोट्स हमने पहले ही बनाया था, तो जस्ट हम मतलब कौन कौन सा टर्म इम्पोर्टेंट है उससे हम हाईलाइट किए हैं, जैसे कि हमारा पीपल्स रेजिस्टेंस मीनिंग, तो कौन कौन सा वर्ड मतलब इम्पोर्टेंस आता है, मतलब कौन कौन सा वर्ड हमारा इम्पोर्टेंट है उसको हम हाईलाइट किए, अंडरलाइट किए हैं, उसका कॉजेज क्या है पीपल्स रेजिस्टेंस मीनिंग, क्यों मतलब पीपल्स रेजिस्टेंस किए थे हमारे ब्रिटिश के अगेंस्ट, देन कॉजिटिव फैक्टर्स फॉर पीपल अपराइजिंग, कौन कौन सा कॉजिटिव फैक्टर है, देन हमारा आता है हमारा पिजन मूवमेंट्स विथ रिलीजियस ओवरटर्न्स ओवरटर्न नारकेलवेरिया अपराइजिंग, इसने मतलब ये अपराइजिंग कौन लीड कर रहा था और इसका रीजन क्या है, देन पागलपंथी इसका रीजन क्या है, मतलब क्यों किस लिए ये हमारा अपराइजिंग हुआ था और कहाँ पर हुआ था, कौन लीड कर रहा था, देन हमारा फरेजी रिवोल्ट, देन हमारा मफला रिवोल्ट मफला अपराइजिंग, देन हमारा फ्रीजल फ्रीजेंस रोल इन 1857 रोल रिवोल्ट, देन आता है हमारा जेनेसिस ऑफ पीपल रेजिस्टेंस, देन हमारा सिविल अपराइजिंग क्यों क्यों हुआ था, मेजर कॉजेस ऑफ सिविल अपराइजिंग, देन जनरल कैरेक्टर ऑफ सिविल अपराइजिंग। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिए, तो और भी है, तो आज देखते हैं आज कितना हम पढ़ सकते हैं, तो इसको थोड़ा हम डायरी में अपडेट कर लेते हैं। तो आज हमने 4 आवर्स पढ़ाई किया, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमने पॉलिटी नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री, तो टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 6.5 आवर हमने पढ़ लिया है, तो देखते हैं आज कितना पढ़े मतलब पढ़ सकते हैं। तो चलिए अभी हम जाएंगे डिनर के लिए, डिनर के बाद हम स्टडी हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों हमारा ख़त्म हो गया है और अभी टाइम हो गया 10:37 और यहाँ पर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्टॉपवॉच लगा रहते हैं और बिना देरी के हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों टाइम हो गया 11:50 अराउंड 12 बजे आसपास और हमने 1 घंटा 13 मिनट पढ़ लिए हैं, तो नींद लग रहा था दोस्तों बहुत, तो आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, तो मतलब हम 1 घंटा ही पढ़े, 1 घंटा हमारा 15 मिनट्स 13 मिनट्स, तो हमने आज 7.5 आवर्स हमने पढ़ लिया। और अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री में मतलब यहाँ पर देख सकते हैं मेजर कॉजेस ऑफ सिविल अपराइजिंग और ये हमारा सिपाही म्यूटिनी, इम्पोर्टेंट म्यूटिनी कहाँ कहाँ हुआ था, म्यूटिनी ऑफ सिपाही इन बंगाल इन 1764, भेलर म्यूटिनी 1806, म्यूटिनी ऑफ द सिपाही ऑफ द 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट 1824। तो इससे मतलब माइंड मैप की मदद से हम इसे पढ़ रहे हैं, और ये सनेस रिवोल्ट कहाँ पर हुआ था, कौन लीड कर रहा था, उसका रीजन क्या है, और ये रिवोल्ट इन मिदनापुर एंड धलबम। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, कल एक नए चैलेंज के साथ मतलब नए एनर्जी के साथ कल हम अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।